एक और भी व्यापारी हैं वो काफी फेमस है, उनसे जानेंगे। आपका क्या कहना है इनसे मसूर की जानकारी? मसूर में बाजार तो पूरा है और इसमें ज्यादा मंदी तेजी की संभावना नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा बाजार, 150 रुपए की उठापटक होगी। अच्छा, तो मसूर की इस समय कितनी आवक हो रही है? लगभग 2500 बोरी की आमदनी है मसूर मंडी में। आगामी भविष्य के बारे में क्या कहेंगे इसके? इसमें ज्यादा मसूर में ज्यादा तेजी नहीं है, गवर्नमेंट खरीद चल रही है और माल भी पर्याप्त है, सभी मंडियों में माल आ रहा है और अभी बड़े बड़े किसानों ने माल नहीं बेचा है जो कि वो रुक कर बेचेंगे थोड़ा माल, इसी इसमें तेजी नहीं आएगी ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर किसानों के पास अभी इसका स्टॉक रखा हुआ है? हाँ, माल अभी रखा है, बड़े किसानों पे माल रखा है अभी। अच्छा जी, तो जो वर्तमान समय में आवक हो रही है इसी तरह से कौन से समय तक रहेगी? ये बरसात तक आवक रहेगी, इसके बाद थोड़ी घटेगी, बाकी आवक हमारी मंडी में चलती रहती है। लगभग अनुमानित 12 महीने इसी तरह से चलेगी। क्या है कि पहले गांव में सड़कें नहीं थी तो माल नहीं आता था, अब सड़कें पक्की हो चुकी हैं इसलिए 12 महीने माल आता है। मतलब एक जैसा सीजन चलेगा इस बार? एक जैसा चलता, उन्हीं तभी का चलता थोड़ा, ज्यादा कोई परिवर्तन? हाँ, आता रहता है माल में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अपनी यहाँ कौन कौन सी क्वालिटी आती है, किस प्रकार की रहती है? मसूर में एक चाइना क्वालिटी आती है, एक देसी क्वालिटी आती है, एक काला मसाला आता है। अच्छा, आधे का आवक कौन सी होती है? अभी इस बार चाइना की आवक ज्यादा है। और दाम कौन से के अच्छे मिलते हैं? काली मसूर के ज्यादा मिलती है, देसी माल के। कितना फर्क रहता है इसमें? छोटी मसूर आती है देसी, उसमें 500-1000 रुपए का फर्क रहता है, काला मसला होता है उसमें 500 रुपए का फर्क रहता है, चाइना मसूर थोड़ी कम बिकती है। इस बार उत्पादन इसका कैसा हुआ है? इसका उत्पादन बहुत हुआ है, कमी नहीं है इस माल में। लगभग कितना अधिक हुआ होगा? पिछले साल से देवड़ा है सर। अच्छा, मतलब इस बार काफी ज्यादा होता है? हाँ, मतलब देवड़ा है उत्पादन ज्यादा है मसूर का। अच्छा, हाँ जी। इससे समर्थन मूल्य से कोई फर्क रहेगा क्या? समर्थन मूल्य से फर्क तो नहीं, अभी समर्थन मूल्य होने के ज्यादा होने के कारण मंडियां तेज बिक रही हैं। ये माल 5000-5500 बिकना चाहिए था, वो 58-6000 बिक रहे हैं मंडियों में। अच्छा जी, तो क्या जैसे समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद हो जाएगी तो इसके बाद कुछ गिरावट नहीं आएगी? क्योंकि बहुत माल गवर्नमेंट ने तुलवा लिया है इसका, वो स्टॉक में चला गया है, गवर्नमेंट की बिकवाली आती है तो मंदी आएगी, तो बिकवाली नहीं आएगी तो यही बाजार चलते रहेंगे। अच्छा, मतलब इसी तरह से बाजार चलता रहेगा। हाँ, ये बात करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार।